वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। हम आपको अब ये बताएंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज क्या सीखे में, जब भी हम मेकअप करते हैं कितना शौक होता है ना तमाम खवातीन को मेकअप करने का कि आंखें ऐसी होनी चाहिए और लिप्स ऐसे होने चाहिए और ये शेड्स इन हैं और ये फाउंडेशन। लेकिन मैंने कभी किसी को ज़्यादातर ये बात करते हुए नहीं देखा कि फेस की, हर इंसान की अलग अलग शेप होती है। उस शेप के हिसाब से जो मेकअप आप कर रहे हैं उस पर कॉन्टोरिंग कैसी होनी चाहिए, वो मेकअप कैसा होना चाहिए। और आप अक्सर ये देखते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम कहते हैं ये देखिए कितने ट्रांसफॉर्म हो गए, इन्होंने पता नहीं क्या क्या सर्जरीज कराई हैं। नहीं, हो सकता है कि उनको फील्ड में काम करते करते एहसास हो जाए एक्सपीरियंस के साथ कि मुझ पर ये चीज़ सूट करती है मेरे फेस शेप के हिसाब से और ये चीज़ नहीं सूट करती। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं और ये बताने के लिए हमारी जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनके 3 सैलून है कराची में, मोना जमाल को आज हमने इनवाइट किया है। मैं वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मोना। थैंक यू, आज सुबह सुबह आपके पास आके सुबह और अच्छी हो गई है ना, सुबह और चमकीली हो गई है। सो मोना, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने कब से इस बिजनेस में जो है ना वो स्टार्ट किया, व्हेन हाउ डिड यू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट? बहुत टाइम हो गया, लाइक इट्स बीन अराउंड 18 साल हो चुके हैं। और मैंने अपने घर से शुरू किया था, विदाउट अ चेयर, विदाउट द प्रॉपर इक्विपमेंट। आई जस्ट स्टार्टेड एंड थोड़े ही अरसे में 6 महीने के अंदर माई हाउस वॉज फुल ऑफ द पीपल वेटिंग। नाइस। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने शहबाज वाला मेरा सलोन स्टार्ट हुआ। और अच्छा, बाय द वे, मेरा जो फर्स्ट टीवी शो था दैट वाज हम टीवी। So I give that credit to Hum TV to make me popular overnight. Amazing. So that is a good luck charm for you. Yes, definitely. So उसके बाद शबाज खुला, शबाज के बाद मेरा क्लिफ्टन वाला, that's my flagship salon because it's a bigger building. और फिर अब recently we have opened the KDA one, which I'm getting mashallah very good response. Oh nice. So अगर आप KDA वाले में जाते हैं, so would there be any discounts हमारे viewers के लिए, मोना? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल mention किया है, तो जो भी आयशा 20 के नाम से कोड में बताएगा उनको नेक्स्ट 15 डेज के लिए हम 20% डिस्काउंट देंगे। ओह, नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको 20% ऑफ मिलेगा। आयशा की स्पेलिंग, एंड द कोड इज आयशा20। आयशा20। अच्छा, फिर इसमें एक ट्विस्ट ऐड करते हैं ना कि आयशा की स्पेलिंग वाई वाली नहीं बतानी, AISHA बतानी है। सो आपको मिलेगा डिस्काउंट 20% ऑफ पे। सारी सर्विसेज पे है जी? सारी सर्विसेज पे है, ओनली फॉर 15 डेज। ओनली फॉर 15 डेज, ऑल राइट। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि फेसेस डिफरेंट शेप्स के होती हैं, सो थोड़ा सा अगर आप पहले शेप्स को एक्सप्लेन करना चाहें और उनके हिसाब से कॉन्टोरिंग कैसी होगी, अगर आप पहले एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन कर दें, वरना मोना आज हमें ड्रॉ करके भी दिखाने वाली हैं ये। पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि कॉन्टोरिंग होती क्या है और लोग इससे इतना क्यों डरते हैं। आपने यूजली देखा होगा कि आई मेकअप तो बड़ा अच्छा कर ले होते हैं, लिपस्टिक भी लगा लेते हैं, ठीक है, बट जहाँ पे कॉन्टोरिंग पे आती है वहाँ पे ज़रा डर जाते हैं। वो डर क्यों होता है? क्योंकि आपका अगर फेस शेप चेंज हो जाता है ना तो इट कैन गो रियली रॉन्ग, आप बहुत हॉरिफिक भी लग सकते हैं। तो लोग कंटूरिंग को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं और जिसकी वजह से उनका एक प्रोफेशनल लुक नहीं आता, जो सैलॉन से आता है, जो कि आप जैसे कह रही थी कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं या आपके फीचर्स और इन्हेंस हो जाते हैं, आपके फीचर्स बेस्ट से बेस्ट नज़र आते हैं, वो नहीं कर पाते घर पर क्योंकि कंटूरिंग, क्योंकि देखें ना, मेजर पार्ट आपका 90% तो फेस नज़र आ रहा है ना, आँखें तो 10% है आपके फेस पर, उस पर आप जितना भी अच्छा कर लेंगे, जब तक स्किन आपकी ओवरऑल वाइब्रेंट, खूबसूरत और लुक नहीं आएगा, वो मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टोरिंग में अक्सर हम ये भी देखते हैं कि वो एक डार्क कलर की, ब्राउन कलर की जो लाइन है ना, ऐसा लगता है कि आप अभी अभी जो है ना किसी ने आपको ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है, सो वो भी हम नहीं करेंगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगता है फेस से ज़्यादा। बिल्कुल। सो सटल कॉन्टूरिंग कहाँ होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए? बिकॉज जब हम मेकअप लगाते हैं मोना, तो एक फेस है जिस पे फीचर्स अच्छे हैं, प्यारे हैं, अभी इनहेंस नहीं हुए, लेकिन जैसे ही बेस लगी वो सारे गायब हो जाते हैं, सारा गायब हो जाता है। अच्छा, मैं बताती क्यों होता है ये? ये होता है इसलिए है कि हमारे जो जितनी भी हमारी बोन्स हैं, बोन 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 बोन, इसका शेडो हमारे नीचे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो नेचुरल कंटूरिंग होती है हमारी। हमारा चेहरा भी पतला लग रहा होता है मेकअप के बगैर, जैसे बेस लगाते हैं मुंह बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, इसी वजह से, क्योंकि आप वो सारे शेडोज खत्म कर देते हैं। तो आप जब भी आप अपना बेस लगाएंगे उसके बाद, इट्स इम्पॉर्टेंट कि जितने भी हमारे बोनी एरिया है, क्योंकि लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता कहाँ कंटूरिंग करनी है कहाँ नहीं करनी, तो आई गिव अ वेरी इजी एग्जांपल कि आपने जिस तरह माउंटेन्स देखे होंगे, माउंटेन की पीक होती है, उसके नीचे इसका शेडो नेचुरली आ रहा होता है। कंटूरिंग इज नॉट समथिंग आर्टिफिशियल, इट इज़ नेचुरल। तो जो भी आपके माउंटेन पीक्स है उसके नीचे उसकी वैली में शेडो होता है, तो जहाँ जहाँ आपकी बोन्स हैं वो आपके माउंटेन पीक्स हैं
और जो उनके नीचे का एरिया है, ठीक है, दीज आर द वैलीज। वाओ, ये मोना साइंटिस्ट को हमने आज बुलाया है, साइंटिस्ट का मेकअप आर्टिस्ट, और मैं चाहूंगी कि मोना आपने इतनी इसको साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया विच एब्सोल्युटली मेक सेंस। आप प्लीज यहाँ पर जो है वो हमें फेस शेप के हिसाब से प्लीज कॉन्टोरिंग बताइए मोना सेट के, मैं यहाँ पर पूरा आपको जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सो मोना जी पढ़ने वालों को जरूर पढ़ाएंगे, पहले मैं टीचर ही थी, इस प्रोफेशन से पहले आई यूज्ड टू लव टीचिंग, इट्स स्टिल आई लव टीचिंग, आई यूज्ड टू टीच इकोनॉमिक्स, तो आज फेस पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स। आज हम फेस पढ़ने वाले हैं भाई, कि ये देखिए यहाँ पर 6 फेस की टाइप्स हैं। मोना प्लीज सबसे पहले तो इनको एक्सप्लेन कीजिए। जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फेस शेप्स। अच्छा, और दूसरा कि जरूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करें, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, दो शेप्स मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच फेस शेप आर यू, और उसके हिसाब से आप कंटूरिंग करें, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट इज द ओवल शेप विच इज ईजिएस्ट टू कंटूर, ठीक है, ओवल शेप, क्योंकि उसको हमें कहीं से हमें इसको ज़्यादा हमें वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, विल जस्ट डू द नेचुरल कंटूरिंग। मैं ओवल शेप की कंटूरिंग आपको बता रही हूँ, ये आया है ओवल शेप वाले जितने भी लोग हैं गौर से देखें, अभी कंटूरिंग सीखनी है आपने। वी डू द कंटूरिंग ऑन द चीक बोन्स, ठीक है, और कंटूरिंग का जो शेड होता है ना आपकी स्किन से, आप दो शेड लाइट लेंगे, आप इतना डार्क नहीं लेंगे कि जिससे कि आपका फेस से ज़्यादा ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगे। oh. तो टेक इट, मेक इट वेरी जेंटल, और आजकल तो कंटूरिंग जो है बहुत माइल्ड चल रही है, ज़्यादा जो हम फीचर्स उठाते हैं वो उठाते हैं हाईलाइटर से yes. तो आप यहाँ पर कंटूर करेंगे और इसके ऊपर जो बोन है इसके ऊपर हाईलाइट लगाएंगे, एक और कलर का मार्कर, अच्छा कोई बात नहीं, चले समझ में आ जाएगा लोगों, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे, अच्छा इसको मैं थोड़ी सी वेवी लाइन कर देती हूँ कंटूरिंग वाली को, ठीक है, ये जो वेवी वाली लाइन है दिस इज कंटूरिंग, ठीक है, एंड दिस इज कंटूरिंग एंड दिस इज हाईलाइट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना कि जो वेवी वाली लाइन है ये दिस इज कंटूरिंग, ठीक है, एंड द स्ट्रेट लाइन इज द हाईलाइट, ठीक है। वी कम, और अब क्यूपिड आपका जो लिप का है उस पे भी आप करेंगे हाईलाइट, यानी दिस पार्ट, या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू हाईलाइट, आपके एकदम से लिप्स निकल, अगर आप मेरी भी अगर लिप्स इस वक्त देखें तो वो पॉप आउट करते हैं, बिल्कुल, तो अगर आपने इस क्यूपिड के ऊपर हल्का सा ब्रश से हाईलाइटर लगाया है तो अब योर लिप्स विल बी रियली एनहांस्ड। ओह, सिर्फ मिडिल वाले पार्ट पे, राइट, जो ये लाइंस है देखें ना, जो चीज नेचुरली उठी हुई है, आपको आपको फेस को खुद स्टडी करना है, नेचुरली आपका क्यूपिड उठा हुआ है, उसके ऊपर हाईलाइटर लगाए। अच्छा, नॉर्मल हाईलाइटर जो हम यहाँ पे लगाते हैं वही वाला लिप्स पे भी लगेगा? Exactly. ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगर आपकी नोज बहुत ज्यादा लंबी है और आपको कंटूरिंग बिल्कुल उसको स्ट्राइक करेंगे तो और लंबी हो जाएगी, तो आप जस्ट यहाँ पे टिप पे लगाएंगे, टिप पे। इफ यू कैन सी आई हैव द टिप ऑफ माई नोज इज हाईलाइटेड, ओके, या सो दैट्स द वे यू हाईलाइट जस्ट योर नोज। अगर मैं पूरे पे लगाती तो मेरी नाक बहुत लंबी लगती, और किसी की नाक अगर छोटी है तो वो पूरे पे हाईलाइटर लगाएंगे, उनकी नाक एकदम स्टैंड आउट करेगी। अच्छा, इतनी अच्छी मुझे टिप बताई है मोना ने। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जब हमारे मेकअप आर्टिस्ट का भी गलती से, वैसे तो बहुत अमेजिंग मेकअप करते हैं, गलती से अगर पूरा हाईलाइटर लगा देते हैं और फिर विची लुक आ जाता है, अजीब लाइव शो में आपको टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी से उसको कवर करने के लिए पूरी नोज की कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ और फिर वो ओवर हो जाती है। सो जिन लोगों की लंबी या फिर यू नो थोड़ी सी बड़ी नाक, प्रोमिनेंट नाक है, प्रोमिनेंट नाक, ज्यादा अच्छी भी नाक है ना, उसको और ज्यादा हाईलाइट कर लेंगे वो एकदम से क्राफ्टी बन जाएगी, जरूरत नहीं है उसको हाईलाइट और जो चिन के नीचे वाला एरिया है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बोन है, ठीक है, तो इसके नीचे वाला एरिया इट हैज टू बी Slightly contoured with a lighter shade. ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप contouring आप अपने लगा लेंगे sculpture brush से, उसके बाद एक fluffy brush लेके उसको blend करना बहुत ज़रूरी है, और blend आप इस तरह नहीं करेंगे कि पूरा मुँह ही काला हो गया, blend उसी direction में करेंगे जिसमें आपने apply किया है, उसको अच्छी तरह से आप blend करेंगे ताकि कोई भी demarcation face पे ना लगे, सिर्फ natural shadows लगे। आपको अपने face को खुद focus करना है कि मेरे ये natural shadows लग रहे हैं। अच्छा, सबसे important चीज़ मैं भूल गई जी, contouring का color। कलर आपने कहा था कि शेड से दो शेड्स लाइट लेना है, इसमें भी अंडरटोन्स होते हैं। कुछ लोग जो है वो मडी टोन लगा लेते हैं, जिस तरह आईब्राउज का जो होता है ना उसमें हल्का सा ग्रीन टिंज होता है, अगर वो उस तरह का आपने कंटूरिंग पे कलर लगा लिया तो आपका फेस बिल्कुल डल हो जाएगा,
आपको थोड़ा सा वो पिगमेंट लगाना है कंटूरिंग के लिए जिसमें थोड़ी सी वार्मथ हो, हालांकि जैसे कि उसका अंडरटोन जो होगा वो रेड की तरफ होगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा? आप जब हाथ पे लगाएंगे उसको बिल्कुल लाइट ब्लेंड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका अंडरटोन लाइट कलर क्या आ रहा है। और जब आप इसको जो आईब्रो वाले शेड जो होता है जो इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीनिश होता है उसको जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल मट की तरह काला काला हो जाएगा। क्या टिप दी है मोना, ये तो मैं आज शो के बाद करने वाली हूँ, ट्राई करने वाली हूँ कल से कंटूरिंग। तो आपको पता लग जाएगा कौन सा। और कंटूरिंग वाला अगर हम आईब्रोज में लगाते हैं जल्दी जल्दी में, चलो ये भी तो ब्राउन है ये भी लगा लेते हैं, बिल्कुल। तो आईब्रोज देखा टीवी आप अक्सर आपके कैमरे में रेड रेड सी आने लगी, रेड रेड सी आती है, बिल्कुल ये भी होता है। खैर वो एक इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक एक सीन हो सकता है कि अगर आप आईब्रोज पे ब्लैक लगा लें, ये क्या हो गया है, उसी वक्त मगर नजर आ जाता है कि हमारी डार्क हो गई। मगर ये रेड और जो ग्रीन का चक्कर है ना, ये फिर आपको फिर बाद में ही पता लगता है जब हो चुका, बाद में पता चलता है, इट्स वेरी सटल। ब्रेक पे जा रही है एंड इतना मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, अभी हमने सिर्फ ओवल शेप किया है और अभी बहुत सारे फेसेस की जो शेप्स है वो रहती हैं यहाँ पर। सो आप हमारे साथ बने रहिए, जल्दी से हम वापस आ रहे हैं। और फिर ये जो बाकी सारी शेप्स है, अगर आपका फेस इनमें से किसी शेप का है तो आपको कंटूरिंग कैसे करनी है, ओवल शेप वालों की तरह नहीं करनी, मुख्तलिफ तरीके से करनी है, मोना सिखाएंगी राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अब वापस, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मोना ने यहाँ पर जो है वो हमें जो फेसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट उनकी कंटूरिंग बतानी है, ओवल की बता चुकी हैं जी मोना। अब इस फेस की शेप का नाम क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर ठीक है, ठीक है। स्क्वायर ऐसा एग्जैक्टली स्क्वायर हमें कभी नहीं नजर आता, बट स्क्वायर की पहचान ये है कि आपका जो फोरहेड की विथ होगी और जो आपकी जॉ लाइन की विथ होगी वो बराबर होगी। जिस तरह काफी लोगों के आपने देखा होगा कि यहाँ पे वो होते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, वो जो खड्डे से होते हैं यहाँ पे, हाँ 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 वो दैट्स अ स्क्वायर फेस। ओके, ज्यादातर आदमियों में होते हैं, हाँ। कुछ लेडीज में भी होते हैं। यहाँ पे अक्सर जो माथा होता है वो अंदर की तरफ गया होता है, हेयर लाइन जो होती है रिसीट कर रही होती है, और यहाँ से बहुत प्रोमिनेंट बोन भी होती है। ओके, सो दैट्स अ स्क्वायर फेस। ठीक है, स्क्वायर फेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी कंटूरिंग, ये पार्ट है। बाकी सारी चीजें तो यही होंगी जिस तरह आपने फेस की बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं करेंगे। आपका जो टारगेट है वो ये होगा एंड ये, तो ये स्क्वायर आराम से ओवल होगा। नाइस, लोग अमूमन सिर्फ यहाँ यहाँ कंटूरिंग कर रहे होते हैं, वही जो हम यूट्यूब वीडियोस पे देखते हैं, नेवर सबकी एक तरह की नहीं होती। नहीं। अच्छा मैं आपको गलती बताऊँ, सबसे बड़ी स्क्वायर वाली क्या करते हैं, अब स्क्वायर फेस है ठीक है, उसके ऊपर यूट्यूब से देख के कंटूरिंग कर ली सिर्फ यहाँ, अब क्या होगा, वो तो स्क्वायर बाहर निकल आएगा, प्रॉपर स्क्वायर हो जाएगा। फिर वो बोलेंगे कि कंटूरिंग तो सही होती ही नहीं, हम तो कंटूरिंग करेंगे नहीं, हमें करने ही नहीं आती। सो दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड योर फेस शेप, कि आपका स्क्वायर है तो आप रेगुलर कंटूरिंग नहीं कर सकते, आपको अपने फेस के हिसाब से ये वाला पार्ट ये यहाँ से कंटूरिंग, जैसे मेरे फेस में यहाँ पे कंटूरिंग होगी, स्क्वायर वाले पे यहाँ पे कंटूरिंग। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस। अब ये मुझे कुछ ये हमारा स्क्वायर था, ये हमारा डायमंड है। डायमंड की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि आपका जो माथा होगा, जो हेयर लाइन होगी आपकी, इसमें विडोज पीक होती है, देखा होगा अक्सर आपने। हाँ, ये मुझे लग रहा है शायद मेरे फेस की, मैं यहाँ से जो है वो रिमूव करती हूँ, बट डू आई फॉल इन दिस कैटेगरी? You have a perfect combination of oval and diamond. Oval and diamond. मुझे लग रहा था क्योंकि आपका माथा, अगर आप इधर कैमरे की तरफ देखें, माथा अगर आप देखें तो आपका माथा कम है बनिस्बत चीक्स के। So माथे पे कंटूरिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है। माथे पे आपने अगर किया तो ये और प्रोमिनेंट हो जाएगी आपकी चीज। मैं आप यकीन नहीं करेंगी, आज मुझे सारे सवाल के जवाब मिल रहे हैं। जब भी कोई मेकअप आर्टिस्ट माथे पे करता था, मैं कहती थी एक मिनट मैं वॉशरूम से आई और फिर मैं उसको सही कर देती हूं, रिसीड हो जाएगा, दब जाएगा वो, आपको यहाँ पे करना ही नहीं है। अच्छा, आपकी जो प्रॉब्लम एरिया है वो सिर्फ यहाँ। यस Yes, इसको डिफाइन करने के लिए, बिकॉज इट्स अ डायमंड शेप, डायमंड शेप इज अ ब्यूटीफुल फेस। जितने भी हमारे स्टार्स हैं दे फॉल इन द डायमंड शेप मोस्टली, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोमिनेंट और एक यू नो एक रूपदार सा चेहरा लगता है। और हल्का सा यहाँ पे करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, और हम हाइलाइटर जो है वो माथे के सेंटर में जरूर लगाएंगे, क्योंकि माथा हमें प्रोमिनेंट करना है, वो हमारा थोड़ा सा रिसीडिंग फैक्टर। इंटरेस्टिंग, वाओ, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया राउंड। सही, अब राउंड की क्या पहचान होती है, मैंने इसकी पहचान तो बता दी कि ये एरिया और ये एरिया बराबर होता है। आप जो अपना फेस देखना चाहते हैं वो मेजरिंग टेप से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैंने बता दी कि इसकी मेन पहचान है कि विडोज पीक होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद राउंड की क्या पहचान है, राउंड का जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आप मेजर करेंगे ये बराबर होगा। ओके, दे विल बी इक्वल। वाह, सारे इंच टेप लें,
शीशे के सामने जाएं, शुरू हो जाएं, शुरू हो जाएं, बिल्कुल। पहले हम सिर्फ फेस देखते हैं, आज फेस को नापेंगे। फेस की शेप क्या है, कभी सोचा भी नहीं होगा हमने कि हमारी फेस की शेप क्या है। तो इसकी राउंडनेस खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, कंटूरिंग हमें साइड्स पे करनी है, ये ठीक है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, और जिसका राउंड ज्यादातर है तो इसकी डबल चिन जरूर होती है, ये एरिया। तो ये आपका ओवल की तरफ आएगा। ये वो कंटूरिंग है मोना जो हर यूट्यूब वीडियो में दिखाती हैं, करिए अगर राउंड फेस है, नहीं है तो दूसरी वाली स्ट्रक्चर। अगर ये वाला आपने इस पे कर दिया तो आपका बिल्कुल ही फेस गया, बिल्कुल। सो इम्पोर्टेंट, ब्रिलियंट। अब ये राउंड के बाद हमारी ये हमारा जो है ये लॉन्ग फेस है, ठीक है, ठीक है। लॉन्ग फेस यूजली करेक्टराइज होता है कि आपकी जो लेंथ है वो विड्थ से ज्यादा हो, ठीक है, सही, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग फेस है और लॉन्ग फेस की कंटूरिंग के लिए जरूरी है कि हमारा ये वाला पार्ट, ये अच्छा लॉन्ग फेस में आपने देखा होगा अक्सर माथा बहुत बड़ा होता है, वो लेडीज जो आती है प्लीज मेरी फ्रिंजेस काट दे, बिल्कुल बिल्कुल। लड़की आपने देखी होंगी वो बहुत कॉन्शियस होती है, फ्रिंजेस कटवा लेती है क्योंकि उनको कंटूरिंग नहीं आती। तो ये अगर आप यहाँ पे इस पार्ट पे शेडिंग करें, ठीक है, और थोड़ा सा इस पार्ट पे शेडिंग करें और कंटूरिंग इसमें नहीं होगी, ओके, चीक्स पे नहीं होगी, इसमें ब्लश लगेगा यहाँ पे। अच्छा, चीक्स पे नहीं होगी? नहीं, ठीक है। इसमें इसमें आपकी जो ब्लश लगेगा और हाइलाइटर लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, तो फोकस यहाँ और यहाँ जाने के बजाय आपके सेंटर ऑफ द फेस पे आ जाएगा, चेहरा थोड़ा सा आपका चौड़ा लगेगा। डिसीव कर रहे हैं, नाइस नाइस, थ्रू मेकअप प्लेइंग विद योर ओन फीचर्स, डिसीव नहीं कर रहे, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे कि जो आपकी अच्छी चीज है उसको एनहांस कर रहे हैं, और एनहांस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल में ये होता है अक्सर देखा होगा पतली से पतला बिल्कुल पॉइंटेड जॉ होता है, ठीक है, वो ज्यादातर अच्छा तो बहुत लगता है मगर कभी कभी जो बहुत पतले लोग होते हैं, अंडरवेट होते हैं, उनके ऊपर भी वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो आपको इसमें क्या कर, अब तक तो मैंने इतनी कंटूरिंग बता चुकी हूँ, आप बताएं इसमें क्या। ओह माय गॉड, इस एग्जाम में मैं फेल होने वाली हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत गलत बताने वाली हूँ, अगर साइड पे ना करें और सिर्फ यहाँ करें। Exactly. और देखें ऊपर की तरफ कहाँ करें, और ऊपर की तरफ यहाँ करें, सीख गया, and the prize goes to आयशा। और अगर मैं सीख सकती हूँ ना एज अ बिगिनर जिसको बिल्कुल मेकअप नहीं आता, तो आप जरूर, आई एम श्योर कि आज जो है ना वो सब लोग सीख चुके होंगे अपने फेस के हिसाब से। तो जैसा कि आयशा ने बताया, ये पार्ट That's it. आप लोग सीख गए, congratulations. Wow, मोना, this is brilliant. मैं अभी मोना को कह रही थी कि इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट इतने शोज में जो है वो आ रहे होते हैं, मगर आज तक किसी ने फेस की शेप के हिसाब से कंटूरिंग नहीं सिखाई। I'm so blessed to be. Thank you so much, मोना. It was so much needed. बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारा बिल्कुल जाने का टाइम आ गया है। अगर आप जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहें रिगार्डिंग मेकअप, रिगार्डिंग एनीथिंग, तो क्या बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को इस वाले कैमरे में? जी, मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि डोंट ओवर डू इट। जो भी आप लोग ट्यूटोरियल्स देखते हैं वो सब आपके लिए नहीं होते, यू हैव टू पिक एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर फेस। और अगर नहीं समझ में आता, ज़बरदस्ती ना करें, आप वही करें जो आपके ऊपर सूट करता है। लेस इज मोर, एज इट्स ऑलवेज सेड। एब्सोल्युटली। और सेकेंडली, हमारी KDA ब्रांच नहीं खुली है और आप लोग को ज़रूर आना है। जो भी मेरे KDA के क्लाइंट्स हैं, मेरे गुलशन के क्लाइंट्स हैं, नाजमाबाद के क्लाइंट्स हैं, दे ऑल आर वेलकम देयर। और डिफेंस के भी क्लाइंट अगर आना चाहते हैं, सो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू देयर। थैंक यू सो मच मोना, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब जाएंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा फॉर 15 डेज ओनली। आज का शो देखने के बाद आयशा 20 का आपने कोड बताना है, AISHA20, और आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन एनीथिंग दैट यू वांट टू गेट एनी सर्विस। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये सेगमेंट, बहुत कुछ सीखा होगा अपने फेस के बारे में। अब मुलाकात होगी एक नए दिन एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे और मोना को कॉमे याद रखिएगा, एंड हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।